सुनो ए मुसलमान, मीलाद मुस्तफ़ा है। मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। इसका ये कहना है कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, रसूल किसी को कुछ नवाज नहीं सकते, वो मुख्तार नहीं है, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये भोंडी सी बात है मियाँ। अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो वो क्यों दी गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे खजाने रसूल को दिए, अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे खजानों की चाबियां दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है? अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे खजानों की चाबियां? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए, क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई खजाना आता है, अब हमें रसूल पाक की ज़िंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साल ज़िंदगी खजानों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं फरमाई, वो तो नहायत सादी ज़िंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे खजानों की चाबियाँ दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बाँटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे हैं मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं। जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। लेकिन चाबी मौज़्ज़न साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मौज़्ज़न साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पर खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मौज़्ज़न साहब से कहते हैं चाबी लाइए खोलिए, और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मौज़्ज़िन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं, जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हर्ज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हर्ज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मौज़्ज़िन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे। नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक लकब है, वो नायब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व ताला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे? नायब इमाम क्यों कह रहे हो आपको? मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्यूटी सीएम है, और डिप्यूटी सीएम को अगर कह दिया जाए कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्यूटी सीएम बनाए क्यों है? ये दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व ताला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा? इख्तियारात कितने दिए हैं?
अजीजाने गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वजू करवा रहे थे, पानी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं, कह रबिया कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो, क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रदल्लाहु तआला हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शित या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शित, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा, क्या कहते हैं? मुराफकत कफिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफकत कफिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफकत कफिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग तुझसे, तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदके में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा कयामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है, ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीन मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और कुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शराई एतबार से। मैं सारी चीजों की तरफ आता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है, यामुरहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो दो लफ्ज आए वो ये है, अल्लाह फरमाता है يحرم عليهم ويحل لهم الطيبات, पाकीजा चीजों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीजों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला, हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग्ज था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी, सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज आओ, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन
ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, दसवीं जिलहिज्जा और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है एक साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। एक साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बह नहीं कर सकते आप, जायज नहीं है आपके लिए, वो जायज नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बह करो। वो सहाबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बह करूँ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बह कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर कयामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शारिए इस्लाम है, बानी इस्लाम है, यानी इस्लाम वही है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमाल से निकला। सबसे बड़ी दलील हुजूर के इख्तियारात की, सबसे बड़ी दलील हमारी ये 5 वक्ता नमाजें हैं। पूरा कुरान हमें बताएं कि कुरान ने कहीं नमाज का तरीका नहीं बताया। खड़े होना है, रकात के लिए हाथ उठाना है, बांधना है और रुकू में जाना है, सजदा करना है, ये तमाम चीज़ें कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। रुकू की कैफियत क्या है? रुकू करने का हुक्म है, सजदा करने का हुक्म है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कितना झुकना है कितना नहीं है? तो ये कुरान में इस तरह की बात आई। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, रकात कैसे बांधी सहाबा ने देखा, रुकू कैसे किया हुजूर को सहाबा ने देखा, सजदा कैसे किया सहाबा ने देखा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि नमाज कैसे पढ़ें? हुजूर ने नहीं फरमाया जैसे कुरान में आया है वैसे पढ़ो। हुजूर ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ऐ लोगो जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे ही नमाज पढ़ो। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अमल करें वही शरीयत है, यही इख्तियारात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक सहाबी आए हज के मौके पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से हर इस्तेआत रखने वाले मुसलमान पर जिंदगी में हज फर्ज है, हज फर्ज है। इस्तेआत के वो कितनी इस्तेआत होनी चाहिए एक शरई मसला है कि अगर आपके पास इतना माल है कि आप हज के लिए जा सकते हैं और घर में राशन पानी भी है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। बगैर हज करके दुनिया से गए तो उसकी बड़ी सख्त वईदें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हुआ और वो हज नहीं किया मुझे उसकी परवाह नहीं, वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, उसकी वईद आई है। अब ये मौका है हज की फर्जियत का। हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अली आमिन हादा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह क्या इस साल हज फर्ज हुआ था जो हमने हज फर्ज हज किया है, यानी साल जिंदगी में एक बार या हर साल फर्ज है? जैसे जकात हर साल फर्ज है ना, इनकम टैक्स नहीं है एक बार दे करके छुट्टा कर लें, हर साल है।
तो सहाबी रसूल ने ये पूछा हर साल फर्ज है या जिंदगी में एक बार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज आज से फर्ज कर दिया गया। फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार है या हर साल। हुजूर ने फिर मुतलक फरमाया आज से अल्लाह ताला ने हर अजी इस्तेतात मुसलमान पर हज फर्ज कर दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा हर साल है या जिंदगी में एक बार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुनो, अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल हो जाएगा, अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल फर्ज हो जाएगा, मैं जितना बोलूं उसे ले लो। यही कुरान कहता है मा आता कुमुर रसूल फखुदू, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम अनहु फंतहू, जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इससे कुरान बता रहा है कि रसूल को मजबूर नहीं मालिक को मुख्तार पैदा किया गया। अजीजा ने गिरामी हमारा ये अकीदा है या नहीं, रसूल को मजबूर समझते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक को मुख्तार है। अब देखें इख्तियारात जो शरीयत के अंदर है, दुनिया का कोई मुफ्ती उसके बाद किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया जो रसूल पाक को अल्लाह ने इख्तियार दिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, सोने की अंगूठी थी उनके पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ इसके लिए हलाल है, बाकी किसी के लिए हलाल नहीं। एक के लिए रेशम का कपड़ा, मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा हराम है। एक सहाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ तेरे लिए हलाल है, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं। हत्ता के एहतलाम हो गया, अगर मर्द को जनाबत हो गई तो मस्जिद में आना हराम है उसके लिए, मस्जिद में आना हराम है। नापाकी की हालत में मस्जिद में आप नहीं आ सकते, बगैर वजू के आ सकते हैं, लेकिन जनाबत की हालत अगर है मस्जिद में कदम भी रखोगे हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपके घर से मुत्तसिल लगा हुआ सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शोहर फातिमा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब उनके लिए नहाने का अगर कोई मसला पेश आता तो उन्हें मस्जिद से गुजरना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाबत के हालत में सिर्फ अली के लिए मस्जिद में आना हलाल है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हलाल करार दिया गया कि अगर इस हालत में ये मस्जिद में आए तो इनके लिए हलाल है। ये शारे इस्लाम है, ये बानिए इस्लाम है, वो जिसके लिए जो चाहे अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुसूसी इख्तियार मिला है, कुछ ना कुछ सबको खुसूसियात मिली हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मस्जिद नबवी के आसपास जिसके भी मकान की खिड़की खुलती है वह बंद कर दें, मस्जिद की तरफ खिड़की ना खोलें, मना था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के, अबू बकर सिद्दीक की खिड़की अगर मस्जिद नबवी की तरफ खुली रहे उनके लिए जायज है। ये शरई इख्तियारात मैं बता रहा हूँ, शरई इख्तियारात। हत्ता कि आपको इससे भी आला किस्म की अगर मैं बात बताऊं, एक साहब आए उन्होंने कहा मैं सुना हूं कि ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है ईमान लाने के बाद? नमाज फर्ज है। वो ईमान नहीं लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने कहा हाँ। कहा कितनी नमाजें? कहा फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है, पांच नमाजें दिन में फर्ज हैं। वो साहब आए कहा मैं इस शर्त पर ईमान लाता हूं कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, उनको कंसेशन चाहिए था। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं पांच नहीं पढ़ सकता, तीन मेरे लिए कह दीजिए, मेरे लिए तीन कर दीजिए, पर मैं तीन पर ही ईमान लाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए तीन ही नमाज है। दुनिया में कोई कर सकता है? गौस और खाजा को भी नमाज माफ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूरबीन निगाह देख रही थी। तारीख में यह रिवायत तो है, वो इसी शर्त पर ईमान लाए कि मैं तीन ही पढ़ूंगा, तीन की मुझे कंसेशन मिले, दो की कंसेशन मिले, तीन पर मैं ईमान लाता हूं। ईमान लाए, लेकिन रिवायत ये बताती है जिंदगी भर कभी तीन नहीं पांच ही पढ़ा। ये अल्लाह के नबी जानते थे कि जिसको नमाज की लज्जत मिल जाए उसके पांच भी कम है।
उसके लिए पांच भी कम है जिसको नमाजों की लज्जत मिले। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये इख्तियारात मुस्तफा हैं। जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहें जो चीज हलाल फरमा दें वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज हराम फरमा दें वो हराम है। ये खसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया तो सिर्फ गुनहगार नहीं, काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं, पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा ये हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया ये हराम है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहें हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहें हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ ना कुछ चीजें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिद्वानुल्लाह तआला अलैहि मजमाई, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसकी टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोजख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं, इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज, अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, यह फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, यह गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है, इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीज हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं,
अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है। अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है, रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए। और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बादे वफात भी कर रहे हैं, बादे वफात भी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इख्तियारात की बात अब मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाजों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोज़ों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखिए यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले हैं। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक सहाबी आया है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं। कहा कफारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफारा है। क्या है कफारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे। या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस सहाबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूंगा। और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये तीन ऑप्शन थे लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जा अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा, ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो सहाबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अस्मत यह है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीजो, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है, इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफा के मुनकिर हैं मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा कयामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी, तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो, उनका इख्तियार कितना होगा। आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं आपको कहां ढूंढूं, मैं कहां ढूंढूं पूरे महशर के मैदान। 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौजे कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा मैं संभाल रहा हूँ। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफाकत नसीब करे।
अज़ीज़ा निगरामी, अब सुनिए बात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं। फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं, कुरान ने उनके बारे में कहा है ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रू रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं। एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर, जो भारी होगा कयामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, कयामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा जारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोजख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दौरे कयामत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीजान उठाएंगे, फिर आमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते। अजीजा निगरामी, इतना अकीदा भी अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ मुसलमान किस बात के हुए हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, इनको कह रहे हैं तुम कहते हो हुजूर की कोई मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, वो कुछ नहीं अता कर सकते। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की कोई इनायत ही न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, वो कुफ्फार मुशरिकीन भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वो एतबार नहीं होगा, बल्कि उसी ईमान का एतबार होगा जो तू रहती दुनिया में उनका इकरार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रसूल को मालिक मुख्तार मानते हैं, और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में यह भी फरमाया है ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान दुनिया से जाओ, एक ही अमल है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मुसलमान जाएंगे दुनिया से जो ये अमल जारी रखेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमें अरे गैरे से क्या लेना देना, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, बस हमारी जिंदगी इसी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात यौम कयामत, कयामत के दिन जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं। बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने यह तक लिखा है, हुजूर ने जब यह फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफात है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफात है, लेकिन तोबा करके मरा हूं, ईमान की हालत में गया हूं, बेईमानों के लिए नहीं। जो ईमान की हालत में गया, गुनाह थे, हुजूर शफात कर रहे होंगे, लेकिन कयामत का मंजर भी एक अजीब है। वहां क्या होगा, जो परहेजगार हैं, जो नेकोकार लोग हैं, वो आएंगे बड़े बड़े गुनहगारों के पास, वो कहते हैं थोड़े गुनाह कर्जे में दे दो। ये भी रिवायत है। बड़े बड़े परहेजगार किसके पास आएंगे, गुनहगारों के पास, थोड़े गुनाह कर्ज में दो। क्यों? वहां तो कोई बोझ उठाने वाला नहीं, लेकिन कुछ परहेजगार पूछ रहे होंगे। कहते हैं इसलिए कि रसूल पाक बड़े बड़े गुनहगारों की शफात कर रहे हैं, हम भी उसमें आ जाए। वाह, हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं क्या ही ज़ौक अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, आप मुझे ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े बड़े गुनहगारों के लिए शफात फरमा सकते हैं, तो ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन के मुताल्लिक कुरान में कई जगह फरमाया वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुग्नी शफाअतुहुम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कितने तो मलाइका ऐसे हैं अल्लाह के मुकर्रब, उनको किसी को शफात करने की इजाजत नहीं मगर अल्लाह की इजाजत से, कोई नहीं करेगा मगर अल्लाह की इजाजत से। तो अल्लाह इजाजत देगा, कुरान पाक में है मंज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी बारगाह में शफात करेगा सिवाय उसकी इजाजत के। हम भी यही मानते हैं कि कोई शफात नहीं करेगा सिवाय अल्लाह की इजाजत से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने शफी बनाया है, कुल शफात का इख्तियार अता किया है। हत्ता के कयामत के दिन के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अर्ज करूंगा, एक दिन कयामत होगी भी क्यों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है। मेरा मौला गुनाहगारी गुनाहों को भी जान रहा है, नेकियों को भी जान रहा है। इधर मरे उधर जन्नत में डाल दें, जो गुनहगार हैं उधर दोजख में डाल दें। ये कयामत का मंजर, ये सारा मामला, इसको इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वहां दिखाया जाएगा कि हमारा रसूल कौन है। अजीजा ने गिरामी, हम उसी इंतजार में हैं कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के मुतालिक ये बहस थी कि हुजूर मालिक व मुख्तार हैं, दुनिया में जब तक आपकी जाहिरी हयात थी तब भी थे, बाद वफात भी हैं। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाद वफात भी मुख्तार हैं। अब एक दूसरा उन्वान है, दूसरा मसला है, इसी से चूंकि मैंने आज ही आपको तकरीर की शुरू में ही कहा, एक और बात आप सुनते रहते हैं हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, ये क्या है? इख्तिलाफात का एक सबब भी बना हुआ है कुछ लोगों के दरमियान, हालांकि इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं। हाजिर व नाजिर अरबिक लफ्ज हैं। हाजिर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप मेरे सामने हाजिर हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं, हाजिर का अपोजिट गायब है। नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं, वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे, यकीदा है हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना यह है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिर्क हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी।
तो जो हाजिर होगा वही आएगा और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा, दलील से। पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोजख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को, सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते हैं मौला किस पर गवाह बनाया है, किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे, रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था जब मर्डर हो रहा था, तब तू था? वो कहेगा हां, तो नंबर वन शर्त पाई गई। दूसरा सवाल, ये अंधा तो नहीं था, देख रहा था? वो कहेगा हां, मैं मर्डर होते देखा भी हूं, आई विटनेस, आंखों देखा। गवाह के अंदर जब दो चीजें हों तो उसकी गवाही जज के पास कबूल है। और अगर गवाह ने कहा नहीं मैं घर में बैठा था, जज साहब क्या कहेंगे? जाओ अभी फिर घर में बैठो। अगर वो कहे नहीं था लेकिन देखा नहीं, तो फिर उसकी गवाही का इनकार होगा, नहीं तो गवाही देने के काबिल नहीं। गवाह के लिए जरूरी है कि मौके वारदात पर मौजूद हो और वो वारदात होता हुआ होती हुई देख भी रहा हो। गवाह की ये दो शर्तें हैं। अब आओ, कुरान कहता है रसूल पूरी इंसानियत पर आप गवाह हैं। इसका मतलब है कयामत के दिन अगर हमारे जुर्मों के बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा तो रसूल को गवाह बना करके पेश किया जाएगा। रसूल अगर गवाही दे दे कबूल है। अब क्यों गवाही कबूल की जा रही रसूल की? सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि हर उम्मती के इन हालात के वक्त रसूल हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। गवाह वही है जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, मौजूद भी हो, देख भी रहा हो। और अगर वो नहीं देख रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अकीदा है पीठ पीछे नहीं देखते, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? अगर तुम कहते हो वो नहीं आ सकते, सिर्फ मदीने में है, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? तुम्हें मानना पड़ेगा अगर रसूल गवाह हैं कुरान के मुताबिक, तो वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अब आओ मैं आपको ये बताता हूं कि ये शिर्क का जो भंडारा खोला है इन्होंने, एक टोकरा है इनके पास, जिन जिन चीजों को लो शिर्क की मिठाइयां बांटे। आप देखें शैतान के मुतालिक तो अकीदा है इनका, शैतान पूरी दुनिया को बहका रहा है ना, एक शैतान है। उनसे पूछो, हम लोग यहां पर हजार लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे नमाजियों को शैतान बहकाता है कि नहीं? वो कहेंगे हाँ बहकाता है। कहा उसको इतनी ताकत कैसे, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, उस मस्जिद में भी इस मस्जिद में भी, तुम उसके बारे में तो इतना मान लेते हो कि वो सब जगह जा सकता है। ए जालिमो, रसूल के बारे में तुम्हारा कैसा अकीदा? अल्लाह के नबी के मुतालिक इतना भी अकीदा नहीं रखते? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब आओ,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक, मैं अब उनको गुस्ताखे रसूल कहूं तो इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। एक मौलवी स्टेज पर खड़े होकर के उसने कहा ये बरेलवियों का पैदा किया हुआ है हाजिर और नाजिर। कहता है वो कहते हैं रसूल हाजिर होते हैं नाजिर होते हैं, देखो कहीं हमारी कुर्सी के पास आए हैं क्या। वो मजाक में कह रहा है मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे अजीजों तुम्हें इन तमाम चीजों से क्या गरज है, तुम्हें क्या गरज है रसूलुल्लाह आते हैं या नहीं आते हैं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तुमसे क्या मतलब। हमारा अकीदा है रसूल आते हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपको मैं बताऊं कि इस चीज को मैं साबित करता हूं। इतना तो सबको मालूम है कि सारे मलाइका से अफजल अंबिया हैं, ये पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। रसूल तमाम नबी मलाइका से अफजल हैं, फरिश्तों से अफजल हैं, और नबियों में भी सबसे अफजल कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना तो सबको मालूम है। रसूल पाक का मकाम बुलंद है या फरिश्तों का मकाम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। अब आपको मैं ये एक बात बताऊं, एक फरिश्ता है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि वो हर जगह हाजिर नहीं होगा, वो मलकुल मौत है, इज़राइल अलैहिस्सलाम। बोलो उसको हाजिर और नाजिर नहीं है, बोलोगे वो बता भी देगा कि कैसे हाजिर होता है। मेरे अजीजों एक आने वाहिद में वो पूरी दुनिया में जहां जिसकी चाहे रूह कब्ज करते हैं, जिसका टाइम है। मिसाल के तौर पर 7:01 पर अमेरिका में किसी की रूह कब्ज की, 2 मिनट पर हिंदुस्तानी किसी की रूह कब्ज हो रही है, पर मिनट कितने हजारों की रूह निकाली जा रही। मैं पूछता हूं मलकुल मौत हिंदुस्तान में कैसे आए, अमेरिका में कैसे गए, कौन सा इतना एरोप्लेन है जो उन्हें लेके घूमता है, कैसे आते जाते हैं, सफर कहां से है। तो इनको कहना पड़ेगा वो अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह ने उसे उतनी ताकत दी है। ए जालिमों तुम्हें मालूम है अल्लाह ने उतनी ताकत फरिश्ते को दी है तो अपने महबूब को कितनी दी होगी, अपने रसूल को कितनी दी होगी। वो फरिश्ता आने वाहिद में पूरी दुनिया में जहां से चाहे रूह कब्ज करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक वक्त हमारी इस मस्जिद में भी आ सकते हैं, मदीने तैयबा में भी हो सकते हैं, खाने काबा में भी हो सकते हैं। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा कैसे सब जगह कैसे आ सकते हैं, उसको भी मैं आयत से ही बताऊंगा। आयत का एक टुकड़ा जो आखिर में मैंने पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया बी इज़्निही व सिराजम मुनीरा, ऐ रसूल हमने आपको अपने हुक्म से अल्लाह के हुक्म से सिराज मुनीर चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है, चमकता हुआ सूरज बनाकर के भेजा है। जो मुझसे ये सवाल करता है रसूल एक ही जगह हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी अफ्रीका में भी अमेरिका में भी कैसे आ सकते हैं, मैं उससे कहता हूं वो जो तलवा रसूल से छना हुआ सूरज है और काया आफ्ताब, वो आफ्ताब जो आसमान पर तुलू होता है, अमेरिका वाला ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का सूरज यहाँ नहीं आ सकता, पाकिस्तान वाला नहीं कह सकता कि वो सूरज अलग है जो तुम्हारे यहाँ चमक रहा है। एक वक्त सूरज निकलता है और कायनात आलम में सारे इंसान उसे देखते भी हैं। सूरज अपनी किरणें सब पर यकसां बिखेरता है। जब ये सूरज का हाल है, ये सूरज का हाल है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये फरमाया है कि ये सूरज चांद तारे इनको चमक कैसे मिली, इनको चमक कैसे मिली। फरमाते हैं कि रोजे शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या इससे कबल जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी का नूर पैदा किया, आला हज़रत फरमाते हैं कि इनको जो रोशनी मिली है वो नहाने में जो कतरे गिरे थे कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरे पाक के जो छींटे थे वो इन छींटों को इनको दिया गया और ये रोशनी से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। उस रसूल पाक के नूर से मुस्तआर सूरज पूरी दुनिया में एक वक्त चमक सकता है तो हबीबे किबरिया बैक वक्त लाखों मोमिनीन की कब्र में कैसे नहीं आ सकते। हमारा अकीदा है हम जब दुनिया से रुखसत होंगे हमारी कब्रों में भी मेरे आका तशरीफ लाएंगे। अब और एक दलील मैं भेजता हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर हैं और नाजिर हैं, इसको तो कुरान से मैंने साबित किया।
कुरान की आयत नंबर एक, वो गवाह है। गवाह के लिए शर्त क्या है? मौके पर होना है और देख रहा भी हो। और दूसरी दलील ये है, अल्लाह ने उनके मुतालिक फरमाया सिराजम मुनीर है, चमकता हुआ सूरज है। तो सूरज को एक वक्त में हजारों जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तुम अपने ऊपर कयास मत करना, तुम नहीं जा सकते बगैर बस के, बगैर ट्रेन के, बगैर प्लेन के। अपनी तरह रसूल को भी समझते हो? तुम अपनी तरह अगर समझोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अपने ऊपर कभी कयास मत करना, वो रसूल है। अल्लाह ने उनको वो जो मर्तबे दिए हैं जहां तक तुम्हारी सोच भी परवाज नहीं कर सकती। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहब इख्तियार भी हैं और हाजिर और नाजिर भी हैं। ये दोनों अकीदे आपके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमा वक्त हाजिर रहना और जरूरी भी है, जरूरी भी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं कयामत तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुन सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर उनको तुम हाजिर नहीं मानोगे तो और एक मसला पेश आ जाएगा, नमाज तुम्हारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक बड़ा मसला है, अरबी का वर्ड में तुम्हें तर्जुमा करके बताऊंगा, तर्जुमा करके। मिसाल के तौर पर लफ्ज काफ जो है अरबी में मुखातिब के लिए, यानी तू, तुम, आप कहने के लिए। जैसे मैं कहूं कैफा हालुका, हालुका का मतलब हुआ तुम्हारा हाल कैसा है। अरबी में मैंने पूछा तुम्हारा हाल कैसा है, तुम सामने रहोगे तो ही पूछूंगा ना, सामने रहोगे मैं पूछूंगा कैफ हालुका, आपकी तबीयत कैसी है, तुम खैरियत से हो। तू, तुम, आप, ये अल्फाज कब बोले जाते हैं? जब आदमी सामने होता है, सामने वाले को ही लफ्ज काफ से खिताब करते हैं, लफ्ज काफ से खिताब करते हैं। अब मिसाल के तौर पर दूर रहने वाले को लफ्ज हु से खिताब करते हैं। हु का मतलब होता है वो आदमी। अब मैं पूछूं कैफ हाल हु, उसका हाल कैसा है, जो यहां नहीं है उसको, ऐसा समझ में आ रही बात? ये ग्रामर है अरबी की। अब आओ, तुम्हारी नमाज इनकम्प्लीट कैसे होती अगर हुजूर को हाजिर नहीं समझोगे? नमाज पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, किरत भी कर ली, रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कादे में आकर बैठे, कादे में आकर बैठे, यहां एंडिंग है नमाज का, नमाज खत्म होने वाली है। अब अत्तहियात पढ़ते हुए आए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु, क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका। का मतलब होता है आप। अस्सलामु अलैका का मतलब हुआ आप पर सलाम हो। और इतना ही नहीं, अय्युहन नबी, ऐ नबी, सामने वाले को ऐ कह करके पुकारते हैं, ऐ करके किसको पुकारते हैं? जो सामने हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब यहां तुम नहीं सोचोगे कि नबी यहां नहीं है तो सलाम तुम्हारे अत्तहियात में बदल लो, आज से अत्तहियात का सलाम बदल लो। यूं कहो, मैं सिखा भी देता हूं, अस्सलामु अलैही, वहां कहो अलैही, यानी सलाम उन पर हो। तुम्हारा नबी जो तुम्हारे सामने नहीं है तुम ऐसे सलाम करो, सुन्नियों का नबी उनके सामने हम कहेंगे अस्सलामु अलैका, नबी आप पर सलामती हो। सहाबा ने भी यही कहा, ताबईन ने भी यही कहा, औलिया कामिलीन ने भी यही कहा, फुकहा ने भी यही कहा, मुहद्दिसीन ने भी यही कहा, सब पूरी उम्मत ने हुजूर को सलाम पेश किया। कैसे?
ऐ नबी आप पर सलामती हो, इसका मतलब है वो अकीदा रख कर सलाम कर रहे थे। नमाजों के वक्त नबी को हाजिर और नाजिर तस्लीम करना होगा, और तुम नहीं मानोगे तो नमाज तुम्हारी इनकम्प्लीट है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यकीदा रखते हैं कि वह हाजिर हैं नाजिर हैं। अरे अजीजो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं।